हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल। कैसे रहा आप सब लोगों का दिवाली? सब लोग मस्त दिवाली वाली मना के और फ्रेश स्टार्ट हो चुके हैं फिर से रीबाउंड री एनर्जी से। सो गाइज, आर यू रेडी कि आज एक सिंगल लेक्चर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं ना, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज हम कवर कर डालेंगे। किसकी? इनर्ट गैस फैमिली की। पी ब्लॉक का सबसे लास्ट वाला लेंगे। अब सब लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, सर आपने ऑक्सीजन फैमिली खत्म कर रखी है, उसके बाद तो हैलोजन फैमिली आना चाहिए था, आपने इनर्ट क्यों पढ़ाया? हम इनर्ट इसलिए पढ़ाएं क्योंकि अदर से कोई रिलेशन इसका नहीं है, और दूसरा एक सिंगल वीडियो में कवर हो जाएगी। और जैसा कि आपको पता है, हैलोजन फैमिली से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम लाइव सेशंस में उसको कवर करेंगे। सो हैलोजन सिंगल वीडियो में अमेजिंग वे में पढ़ने के लिए तैयार है, जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक करिए, साथ साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और मजेदार वे में पढ़िए। ठीक है? सो गाइस, आर यू रेडी और नॉट, लेट मी नो। रेडी हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उससे पहले मैं बता दूं, डाउट ग्रुप में जरूर आइए ताकि आपके हम डाउट्स क्लियर कर पाए। और साथ में मैं आपको बता दूं, स्टार्ट कर दूं आज का इंपॉर्टेंट और एनर्जेटिक सेशन, वो क्या है देखते हैं। भाई साहब, पूरे इनर्ट गैस फैमिली में ये सारे एलिमेंट्स आपको पढ़ने हैं, लेकिन केवल इनमें से दो ऐसे एलिमेंट हैं जो रिएक्शन देते हैं, बाद बाकी कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। आपके सिलेबस में केवल जेनोन की रिएक्शंस हैं, क्योंकि यही एक यही दो रिएक्ट करते हैं, और क्रिप्टन भी बस एक कंपाउंड बनाता है रिएक्ट करके। ठीक है? अब क्वेश्चन आया कि सर ये इनर्ट है, ऑलरेडी स्टेबल है, तो भाई साहब ये रिएक्शन करेगा ही क्यों, कंपाउंड बनाएगा ही क्यों? स्टेबल वाला तो ऐसे बैठा बैठा रहता है। इनर्ट गैस फैमिली को व्हाई वी कॉल इट इनर्ट, इनर्ट बोलते ही क्यों है, इसका नाम इनर्ट है ही क्यों? क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स जो इनर्ट गैस में हैं, वो सारे स्टेबल हैं, फुलफिल्ड हैं, कोई भी अनस्टेबिलिटी या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके अंदर नहीं है, ऑलरेडी फुलफिल्ड हैं, ऑलरेडी स्टेबल हैं। तो जब ऑलरेडी स्टेबल है तो क्यों रिएक्शन करेगा? इसलिए रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए इसको इनर्ट बोलते हैं। इनर्ट का मतलब चुपचाप बैठा है, किसी से कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। अब मैं बात बताऊं आपको, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दूं, दिस इज NS2NP6। मैंने पहला दिन पढ़ाया था आपको, अगर NS2NP1 पी में पहला इलेक्ट्रॉन भरेंगे, बोरोन फैमिली पढ़ के तैयार। फिर जैसे ही हमने पी में सेकेंड इलेक्ट्रॉन डाला, हमने कार्बन फैमिली पढ़ा, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन डाला तो हमने नाइट्रोजन फैमिली पढ़ा, एंड सो ऑन। जैसे ही हमने छठा इलेक्ट्रॉन पे आए, तो हम पढ़ रहे हैं आज इनर्ट गैस फैमिली। वेरी गुड। अब इनर्ट गैस फैमिली में ऑल एलिमेंट्स आर फाउंड इन गैसियस नेचर, सारे के सारे एलिमेंट्स गैसियस स्टेट में होते हैं। ऐसा क्यों होता है? सिंस ये सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी स्टेबल हैं, तो ये हीलियम और हीलियम ये दोनों वंडरवाल फोर्सेस से अट्रैक्ट होते हैं, वंडरवाल फोर्सेस से अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से। चाहे मैं नियन नियन की बात करूं, तो नियन अपने आप में ऐसे स्टेबल है, दूसरा नियन भी अपने आप में स्टेबल है, तो ये वंडरवाल फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगा। वंडरवाल फोर्स एक बहुत वीक फोर्स होता है, यह बात आपको पता है? पता है तो बोलिए हां अभी कमेंट सेक्शन में, लेट मी नो। अब जब आपको यह बात पता है कि इसके अंदर वंडरवाल फोर्स लग रही है, और यह बात बहुत अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है पहले कि वंडरवाल फोर्स जो होता है, इट इज अ वीक फोर्स गाइस, इट इज अ वीक फोर्स। ऑब्वियसली यू कैन से इट इज द वीकेस्ट फोर्स जो अभी तक हमने बॉन्डिंग में पढ़ा है, वीकेस्ट है। वेरी गुड। अब वीक फोर्स है तो ये पार्टिकल्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक्चुअली वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका पूरा नाम है, सो फोर्स लगा के अट्रैक्ट करता है। चूंकि ये वीक फोर्स है तो पार्टिकल्स को अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन जितना मर्जी से करना चाहिए था, जितना अच्छे से करना चाहिए था, उतने अच्छे से नहीं करेगा, क्योंकि कमजोर फोर्स है। मजबूत फोर्स होता तो सब मॉलिक्यूल्स पास पास में ला देते और सॉलिड हो जाता, उससे थोड़ा सा कमजोर फोर्स होगा तो भी पास में आता लेकिन लिक्विड होता, क्योंकि पार्टिकल्स लिक्विड में थोड़े थोड़े दूर होते हैं, यहां पार्टिकल्स बहुत ज्यादा ज्यादा दूर पे हैं। दैट सिंपली मींस ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बहुत ही कमजोर लग रहा है।
चूंकि कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनर्ट गैस फैमिली में लगता है, देयरफॉर पार्टिकल्स दूर दूर हैं एंड वी से कि इट इज अ गैस। क्या ये बात आपके बाद दिमाग में पूरी तरह से आ गई, प्रिंट हो गई? तो आगे करें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, फंडा समझिए बेसिक एक लाइन में, उतना एनर्जी जो किसी भी एटम को आयन बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, उतना एनर्जी जो किसी भी एटम को आयन बनाने के लिए तैयार रिक्वायर्ड है। अब आयन कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके, ठीक है। आयोनाइजेशन में एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है और इलेक्ट्रॉन गेन के अंदर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को अंदर लेना है। सो आयन बनने के लिए या तो केटायन बन सकता है या तो एनायन बन सकता है। यार एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्लस चार्ज, वो भी केटायन है, वो भी एक आयन है। एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया, वो भी एक माइनस चार्ज, वो भी एक आयन है। सो दो तरीके से आयन बन सकते हैं, एक केटायन एक एनायन। केटायन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को तो आयनाइजेशन कहते हैं। देखो तो सही, इलेक्ट्रॉन कहीं से रिमूव कर रहे हो, प्लस चार्ज बनेगा, केटायन बनेगा, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है केटायन बनाने के लिए दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एनायन बनेगा तो बाहर से अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है इसी को तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो क्या मैं बोल दूं कि अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं वो एनर्जी जो आयन बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। अगर केटायन बन रही है तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर एनायन बन रही है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी पढ़ते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए क्या फंडा है। चूंकि ये स्टेबल है, सारे ऑर्बिटल्स फुल फील्ड है, ठीक है, सारे ऑर्बिटल्स फुल फील्ड है ना। अब फुल फील्ड है तो जब कोई मैं स्टेबल होऊंगा तो मैं किसी से क्यों, मतलब मान लो स्टेबल का मतलब होता है धनी आदमी, अमीर आदमी। अब देखते हो अमीर आदमी ज्यादा लोगों के मुंह नहीं लगता, वो बात नहीं करता ज्यादा, अपना काम करता है, फोकस रहता है, आगे बढ़ते रहता है, ये एक ट्रेट है अमीर आदमी। उसी तरह ये ऑलरेडी स्टेबल है, ये अमीर है, तो ये किसी और से रिएक्शन नहीं करता, किसी और केमिकल एलिमेंट के मुंह नहीं लगाता, किसी और एलिमेंट से बात नहीं करता। अब अगर इससे बात करना है, एक अमीर इंसान से बात करने के लिए पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फिर आप उसके पास जाते हो, फिर बात करनी पड़ती है, दैट मींस आपका ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, आपका ज्यादा टाइम लगता है, अपॉइंटमेंट लो, फिर परसों का अपॉइंटमेंट मिला, फिर गए, फिर मिले, ऐसा ही होता है। उसी तरह ये इनर्ट गैस बहुत ही अमीर है, ऑलरेडी स्टेबल है, बहुत पैसे वाला है, फुल फील्ड है। अब क्या होगा, देखो मैं बताता हूं। ऑलरेडी जब ये फुलफिल्ड है तो जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वो बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि हम उससे बात कर पाए, हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल पाए। जब हाईली इंडोथर्मिक प्रोसेस है, यस, देखो वो क्या लिखा हुआ, बिकॉज नोबल गैसेस आर स्टेबल, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेबल एलिमेंट्स इज वेरी वेरी टफ, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी तब जाके इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, एंड देयरफॉर वी से कि इट इज हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब आइए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर लें। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर लेना। अब मैं ऑलरेडी स्टेबल हूं तो मैं किसी और से क्यों बात करूंगा, मैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों लूंगा, मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं, मैं ऑलरेडी स्टेबल हो चुका हूं। देयरफॉर हर एक केस में हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। मतलब जैसे मान लो हैलोजन की बात करें, फ्लोरीन, अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये बहुत अच्छी तरह से लेना चाहता है, क्यों, क्योंकि जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन और लेगा इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन, देखो शानदार तरीके से। अब क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, इसको एक इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ये बहुत ज्यादा एनर्जी लगा के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, दैट मींस यहां जो इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन हो रही है ह्यूज होगी। तो जहां भी अट्रैक्शन होती है वहां एनर्जी रिलीज होती है, ये बात बहुत अच्छे से पता है, जहां भी अट्रैक्शन होगा वहां एनर्जी रिलीज होगी इन अदर केसेस, लेकिन यहां तो अट्रैक्शन का कोई केस ही नहीं है ना, इनर्ट गैस तो ऑलरेडी स्टेबल है, क्यों अट्रैक्ट होगा। तो जब अट्रैक्ट नहीं होगा तो यहां पे पॉजिटिव गेन एंथैल्पी, मतलब हमें खुद से एनर्जी लगा के इसमें इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, ठीक है। यहां अट्रैक्शन नहीं होता है इनर्ट गैस में, इसलिए निगेटिव ना होके पॉजिटिव होगा, हमें अपने साइड से एनर्जी
लगानी पड़ेगी, हमें खुद अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, हमारी एनर्जी ज्यादा लग रही है। सो ये दो फंडा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब आपको मैं जब बात बताऊं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल पढ़ाया हुआ है कि भाई साहब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट केवल और केवल वंडरवाल फोर्स पे डिपेंड कर रही है। जितना ज्यादा वंडरवाल फोर्स उतना ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, और वंडरवाल फोर्स केवल एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट। तो जो जितना भारी है उसको मेल्ट होने में बॉयल होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स एटम्स भारी होते चले जाते हैं, सी दिस, इलेक्ट्रॉन्स नहीं एटम्स, ठीक है। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगी, जस्ट बिकॉज नीचे जाने पे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हुआ, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने से वंडरवाल इंक्रीज हुआ, वंडरवाल इंक्रीज होने से बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो गई। वेरी सिंपल, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा। अब रिएक्शन वाला तो पढ़ाओ सर, क्वेश्चन तो रिएक्शन से देगा। सो दिस इज द रिएक्शन, हेमा नीलम और करीना सिनेमा की रानी, हमने ऐसे याद किया हुआ था। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे हेमा नीलम और करीना सिनेमा की रानी, तो वहां से बढ़ते चला जाएगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको बताऊं रिएक्शन पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार, और वीटी सर का ट्रिक बहुत ही अच्छा। आइए सर, मैंने बताया ये होते हैं हेमा नीलम और करीना सिनेमा की रानी, ये होता। अब सर आपने बताया कि केवल क्रिप्टन और जेनन रिएक्ट करता है, बाद बाकी कोई भी एलिमेंट्स रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। आज ये पहले नहीं था, आजकल ये साइंटिस्टों ने ऐसा फाउंड किया कि जेनन के कुछ कंपाउंड्स मिल रहे हैं, जेनन के क्रिप्टन के एक कंपाउंड अभी तक डिस्कवर हुआ है, वो हम पढ़ लेंगे। मेजरली हमें जेनन के कंपाउंड्स आपके सिलेबस में पढ़ना है, मेजरली मतलब मेजरली क्या, पूरा सिलेबस ही यही है, क्रिप्टन का तो केवल एक ही कंपाउंड है, ओके। तो जैसा कि मैंने यहां लिखा हुआ है कि केवल क्रिप्टन और जेनन विल शो रिएक्शन, ठीक है, इन लैब्स जब जेनॉन को हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, जैसे ऑक्सीजन, केवल जेनॉन जो है वेरी हाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन, जैसे कि ऑक्सीजन, इन्हीं से रिएक्ट करता है। ऐसा नहीं कि जेनॉन रिएक्ट कर रहा है तो सबसे कर जाएगा, नो, ओनली विथ फ्लोरीन एंड ओनली विथ ऑक्सीजन। और जो इसके कंपाउंड्स है ना वो केवल जेनॉन फ्लोराइड्स हैं और जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स, यही आपके एम्स नीट और जेई के सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत मजेदार है, मैं आपको बताता हूं ट्रिक है ना, एक ट्रिक से सारी चीजें मजेदार हो जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यही दोनों रिएक्ट करेंगी, उसमें भी क्रिप्टन जो है वो केवल केवल एक कंपाउंड बनाता है, क्रिप्टन का फ्लोराइड। बतवा समझ में आ रहा है तो बोलते जाइए, हां अभी के अभी बोलते जाइए। मैंने बोला दो एलिमेंट रिएक्ट करेंगे, उसमें भी जो क्रिप्टन है ना केवल और केवल एक कंपाउंड बनाना है, और KrF2 के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है। तो हम तो इतना नॉलेज काफी रखते हैं कि क्रिप्टन केवल KrF2 बनाता है, दैट्स इट। लेकिन जेनॉन की बात करूं तो जेनॉन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स लाइक ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन बनाता है, इससे रिएक्ट करता है और इसके कंपाउंड्स बनाता है। जब वो फ्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो जेनॉन फ्लोराइड्स बनेगा, ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है। जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो या तो जेनॉन के ऑक्साइड्स बना ले या तो जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स बना ले, ठीक है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड, फ्लोरीन से रिएक्ट करके फ्लोराइड, और अगर मिक्सचर से रिएक्ट किया तो जेनॉन ऑक्सी फ्लोराइड। क्या तैयार है आगे एक एक करके इस टॉपिक को मास्टर करने के लिए, लिखिए हां। और क्या आप लोगों ने दोस्ती करी, मेरे से दोस्ती हुई नहीं हुई, हो गई होगी ऐसा मैं सोच रहा हूं, लेकिन आपको करना है दोस्ती। कैसे, लाइक बटन को क्लिक करिए, थम्सअप दबाइए, मेरे दोस्त बनिए, डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर होगा। दोस्त बनने के बाद दोस्तों में जानते हो ना बहुत जिगरी यारी होती है, मेरे दोस्त बनिए, मजा आ जाएगा पढ़ के। जेनॉन की हम फ्लोरीन से पढ़ते हैं और फिर जेनॉन के ऑक्सीजन कंपाउंड्स उसके बाद पढ़ लेंगे। ऐसा है, जब जेनॉन एक्सेस में होगा तो व्हेन XE इज इन एक्सेस, फ्लोरीन F2 में एग्जिस्ट करता है, तो जब जेनॉन एक्सेस में रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म XEF2। अब अगर मान लो मैं जेनॉन के जगह
फ्लोरीन को एक्सेस में डाल दूं तो क्या होगा? क्या आपको समझ आ रहा है कि या तो XeF4 बन जाएगा, क्योंकि ज़ेनॉन एक्सेस में है और फ्लोरीन कम है तो फ्लोरीन F2 में ही रुक गया। अब फ्लोरीन को हमने ज्यादा कर दिया तो F4 बन सकता है और ज़ेनॉन F6 भी तो बन सकता है, क्योंकि इसके पास आउटर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन से तो 6 बॉन्ड बना सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, अब आइए एक्चुअली मैं बताऊं आपको, जब ज़ेनॉन एक्सेस में रहेगा तो XeF2 बनेगा, जब फ्लोरीन एक्सेस में रहेगा तो या तो वो XeF4 बन जाए या तो वो XeF6 बन जाए। ठीक है, लेकिन अगर इसका रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इसको एग्जामिनेशन ने पूछ लिया है, अगर ज़ेनॉन और फ्लोरीन का रेशियो 1:5 का रखूं, दैट मींस एक मॉलिक्यूल ज़ेनॉन ले लूं और 5 मॉलिक्यूल्स फ्लोरीन ले लूं, तो फिर मुझे XeF4 बनेगा। लेकिन अगर 1:20 का रेशियो कर दूं तो एकदम एक्सेस में हो गया फ्लोरीन, दैट मींस XeF6 बन जाएगा। 1:20 मतलब समझ रहे हो, एक मॉलिक्यूल ज़ेनॉन और 20 मॉलिक्यूल फ्लोरीन, तो वो एक्सेस वाला केस नहीं लग रहा है। ज़ेनॉन बेचारा अकेले और केवल फ्लोरीन 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 इसके चारों तरफ, तो फ्लोरीन इज इन एक्सेस, देयरफॉर इट विल फॉर्म XeF6। थोड़ा सा अगर एक ज़ेनॉन के बजाय 5 फ्लोरीन कर दूं तो XeF4 बन जाएगा, अगर ज़ेनॉन ही एक्सेस में हो तब XeF2 बनता है। बहुत अच्छे से दिमाग में प्रिंट हो गया होगा। यस, अब देखिए ये बन गए आपके, इतना XeF6 बनाने के दो तरीके हैं, या तो ज़ेनॉन और फ्लोरीन 1:20 के रेशियो में ले लो, या उससे ज्यादा ले लोगे तो भी हो जाएगा। 1:20 में हो रहा है जो काम, 1:21 में हो ही जाएगा, 1:45 में हो ही जाएगा, 1:100 में हो ही जाएगा। वेरी गुड, अब क्या है, या तो आप एक्सेस ले लो, या तो जो आपके पास XeF4 बना है ना, XeF4 कैसे बना है, यस, ज़ेनॉन और फ्लोरीन जब हमने 1:5 के रेशियो में लिया, इट विल गिव अस XeF4। जब वो XeF4 बन रहा है, देखो तो जैसे ही XeF4 बना, उसमें एक O2F2 की रिएक्शन करा दो। इसका मतलब क्या हुआ, सर O2F2 जो है ना वो एक फ्लोरीनेटिंग एजेंट है। फ्लोरीनेटिंग एजेंट का मतलब, सर ये सामने वाले में फ्लोरीन ऐड कर देता है। O2F2 इज अ वेरी गुड फ्लोरीनेटिंग एजेंट, सो O2F2 विल ऐड फ्लोरीन इन सामने वाला। तो भाई साहब सामने वाला क्या है, XeF4 पड़ा है, तो सामने वाले में फ्लोरीन ऐड करो, तो XeF4 में दो फ्लोरीन और ऐड हो गया, XeF6 बन गया। किसी भी रिएक्शन में अगर आपको O2F2 के साथ रिएक्शन कराना है, इट विल फॉर्म फ्लोरीनेटेड प्रोडक्ट। सामने वाले में फ्लोरीन ऐड कर दो और फ्लोरीन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ F2, तो F2 ऐड कर दो। वेरी गुड, बात समझ में आ रही है, वेरी गुड आ रही है। अब देखो मैं आपको बताऊं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस, इस पूरे इनर्ट गैस फैमिली में अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो है ज़ेनॉन फ्लोराइड की रिएक्शंस। पूरे इनर्ट गैस फैमिली के अंदर अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो है हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन, और दूसरा क्या है जो अभी हमने पढ़ा है कि XeF4 कब बन रहा है, XeF2 कब बन रहा है और XeF6 कब बन रहा है। दैट्स इट। तो अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज तो कवर कर ही चुके, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है हाइड्रोलिसिस इसका। अब जो भी हमने अभी तक पढ़ा है ना हाइड्रोलिसिस में, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, उसको एक साइड रखो, चूंकि ये स्पेशल ग्रुप है, ये ऑलरेडी स्टेबल ग्रुप है, तो इसमें सारी रिएक्शंस अलग अलग तरीके से होंगी, जैसे रेशियो से कुछ और प्रोडक्ट बन रहा है उसी तरह हाइड्रोलिसिस में भी। लेकिन मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे वो रिएक्शंस हमेशा के लिए आपकी हो जाएंगी। तो आर यू रेडी टू गेट दिस फॉर लाइफ लॉन्ग? ओके, सो जल्दी से दोस्ती शेयर और लाइक हो जाए अभी के अभी, फिर देखना है आपको। आइए अब हम एक एक करके XeF6 फिर XeF4 फिर XeF2 की बात करेंगे। सबसे पहले मैं XeF6 की बात कर लेता हूं। मैंने क्या बता रखा है ऑलरेडी रिएक्शंस में कि सर हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से जब भी रिएक्ट करे तो वो वाला कंपाउंड प्रोडक्ट बनेगा जिस ऑक्सीडेशन स्टेट मैचिंग वाला प्रोडक्ट बनेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट मैचिंग वाला प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर ज़ेनॉन का फ्लोराइड है, अगर कार्बाइड रहता तो मिथेन गैस, अगर नाइट्राइड रहता तो अमोनिया गैस NH3, अगर फॉस्फाइड रहता तो फॉस्फोरस वाला गैस। ठीक है, लेकिन फ्लोरीन का कौन सा गैस, उसी तरह
जब फ्लोरीन का गैस नहीं है तो आप उसका ऑक्साइड बना दीजिए, प्लस सिक्स वाला ही रिएक्टेंट का ही प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट है वही वाला ऑक्साइड बनेगा। जैसा वहां चल रहा है वैसा ही है, बस चूंकि फ्लोरीन वाला गैस नहीं रिलीज हो रहा है सो यू हैव टू टेक इट लाइट XeO3, ऑक्साइड बना देना, ठीक है। अब ये वाला रिएक्शन देखो आप, XeF2 का रिएक्शन, फिर हम XeF4 पे जंप करेंगे। अब XeF2 हाइड्रोलिसिस में कैसे होगा? सर देखो यहां पे, यहां था 6 हाइड्रोजन, यहां थे 6 हाइड्रोजन, यहां है 2 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन कम हो गए, मतलब ट्रिपल टाइम्स फ्लोरीन कम हुआ है, 6 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन, 3 टाइम्स फ्लोरीन कम हो गया है। उसी तरह जब 3 टाइम्स फ्लोरीन कम हुआ तो 3 टाइम्स ऑक्सीजन भी कम कर दो, दैट मींस यहां XeO3 था तो O3 तो तीनों ऑक्सीजन गायब हो जाएंगे, कम हो गए, सारे गायब हो गए। लेकिन अब ये ऑक्सीजन गायब होकर कहां जाएंगे, ऑक्सीजन रिलीज तो होना है तो O2 के फॉर्म में ऑक्सीजन कैसा रहता, O2 तो O2 के फॉर्म में रिलीज कर दिया। HF तो हर बार बनेगा, चाहे XeF2 हो, XeF4 हो, XeF6 हो, HF तो हर बार बनेगा। क्यों बनेगा वो भी मैं बता दूं आपको, क्योंकि यहां से H+ और यहां से F- है तो HF बन रहा है। अब मैं अगर XeF4 की बात करूं, दैट मींस XeF4 की अगर मैं बात करूं तो देखो ये सामने जो भी प्रोडक्ट अभी तक हम बनाते आए हैं, अभी इसका प्रोडक्ट भूल जाओ, जो भी प्रोडक्ट इधर बना है दोनों रिएक्शंस में वो दोनों इन सिंगल रिएक्शन में बनता है। एक बार और गौर से देखना, मजा आ जाएगा, आपको फिर से बता रहा हूं, यहां पे क्या है प्लस सिक्स है, यहां पे क्या है प्लस टू है, और ये क्या है प्लस फोर। जो बीच वाला ऑक्सीडेशन स्टेट का ज़ेनॉन फ्लोराइड है उसका प्रोडक्ट जो है वो देखो ये पांचों के पांचों यहां पर बन जाएंगे, क्योंकि HF दोनों में कॉमन है इसलिए एक बार आया है, ठीक है, दो बार HF मत बना देना, वेरी गुड। XE भी बनेगा, XeO3 भी बनेगा, HF भी बनेगा और O2 भी बनेगा। इंटरमीडिएट वाले में दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनाना है। अब कैसे दिमाग में रहेगा, सर यहां पे XeF6 है, प्लस 6 वाला ऑक्साइड बना दो, काम खत्म करो, HF तो बन ही रहा है हर बार, प्लस 6 वाला ऑक्साइड बन गया, साथ साथ में जैसे ही XeO3 बना यहां पे आपको F2 पे आना है कि सर थ्री टाइम्स हमारा फ्लोरीन कम हुआ है तो 3 टाइम्स प्रोडक्ट भी चेंज होगा, तो ऑक्सीजन तो 3 या 3 टाइम्स कम करोगे 0 हो जाएगा, XE बन जाएगा, HF तो बन ही रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन कहां जाएगा, इट विल रिलीज इन द फॉर्म ऑफ O2 ऑक्सीजन। बतवा समझ में आ रहा है तो बोलिए ना कमेंट में, हां बहुत अच्छा। अब आइए और XeF4 में तो भाई साहब दोनों का प्रोडक्ट बना देना है। अब XeF6 ये वाला प्रोडक्ट तब बनाएगा जब वॉटर इज इन एक्सेस, जब वाटर को हम एक्सेस दें तब जाके ये प्रोडक्ट ये बनाएगा, और यू कैन से कि 3 मॉलिक्यूल वाटर, एक XeF6 और 3 वाटर, यही होता है जो एक्सेस हो जाता है, तो 3 मॉलिक्यूल वाटर दे दें तो XeO3 बन जाएगा। आपको 3 मॉलिक्यूल दिमाग में नहीं रखना, आपको तो ये रखना है कि XeO3 तो तब बन रहा है जब वाटर एक्सेस में हो, लेकिन अगर वाटर थोड़ा कम कर दें तो प्रोडक्ट कुछ और हो जाएगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ठीक है, केवल इसी की होगी, इसमें वाटर मॉलिक्यूल चेंज करोगे, देख दे अभी दिखाता हूं, केवल XeF6 में पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी और किसी में नहीं होगी। XeF6 और ट्रिक है, ऐसे दिमाग में रटना नहीं है, देखो XeF6 यहां पे 6 फ्लोरीन है, यहां पे भी 6 फ्लोरीन है और यहां पे भी 6 फ्लोरीन है। अगर मैंने वाटर मॉलिक्यूल एक्सेस में ना देके कम करते गए वाटर मॉलिक्यूल तो प्रोडक्ट भी कुछ और बनता चला गया, प्रोडक्ट रटना नहीं है, देखो कैसे करना है। H2O है एक मॉलिक्यूल, यहां H2O है दो मॉलिक्यूल, यहां H2O है 3 मॉलिक्यूल। सबसे पहले मैं XeF6 प्लस एक मॉलिक्यूल वाटर की बात कर लेता हूं, XeF6 प्लस 1 मॉलिक्यूल वाटर, बड़ा गौर से देखने की जरूरत है, प्रोडक्ट अपने आप आपके पास चल के आएगा। सर एक मॉलिक्यूल वाटर है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, वेरी गुड, इसके अंदर 6 फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन है, ठीक है। एक्चुअली देखो 2 हाइड्रोजन और 6 फ्लोरीन, आपको पता है कि HF तो बनेगा ही हाइड्रोलिसिस में, यस सर, मैक्सिमम कितने HF बन सकते हैं आप देख सकते हो क्या, अब वेरी क्लियरली देख सकते हो कि सर 2 HF मॉलिक्यूल बहुत अच्छे से बन सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं बनेगा क्योंकि 3 HF बन ही नहीं सकता क्योंकि तीसरा हाइड्रोजन है ही नहीं, देयरफॉर इट विल रिलीज 2 HF, क्योंकि H2O में एक ही मॉलिक्यूल है तो 2 ही हाइड्रोजन है इसलिए 2 ही HF बना लेगा। अब 2 HF बन गया
दैट मींस यहां से हाइड्रोजन रिलीज हो चुका है। अब देखो देखो देखो, बहुत बहुत इजी, बहुत इजी है, मजे आ जाएंगे आपको। यहां पे कितना बना है, 2HF बन चुका है। तो बचा क्या है इसमें, सर एक ऑक्सीजन बचा है, वेरी गुड। सर यहां पे XeF4 बचा है, F6 में से दो हाइड्रो HF तो बन गए। कुछ नहीं करना है सर, XeOF4 बना दो, खत्म करो कहानी, बस टेंशन मुक्त रहो, खत्म करो कहानी। HF पहले निकालो और जो बच गया वो आंसर है। ऐसा पढ़ो कि प्रोडक्ट खुद चल के आए आपके पास, मजा आ गया हो तो मतलब मचाओ यहां पे एकदम। कमेंट सेक्शन में लाइक बटन और शेयर बटन को तहस नहस कर दो, ठीक है। अब देखो दूसरा, अब देखो दूसरा सर, XeF6 की बात करूं, XeF6 की बात करूं, और अगर दो वाटर मोलिक्यूल दे दिया एग्जामिनर, कुछ नहीं, हम तो वेटी सर से पढ़े हैं और प्रोडक्ट तो हमारे पास चल के आता है, हम रटते नहीं है। सर यहां पे मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन है, पहले तो HF बनाओ, 4 हाइड्रोजन है सर, यहां पे 6 फ्लोरीन है, वेरी गुड। सर हम मैक्सिमम 4 HF बना सकते हैं, मैक्सिमम 4 HF। तो देखो पहला प्रोडक्ट आंसर आ चुका है, दूसरा कैसे आएगा। अब जब देखो यहां पे, अब देखो यहां पे 4 हाइड्रोजन निकल चुका, तो अभी भी 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है, 2O मॉलिक्यूल बचा हुआ है, 2 वाटर लिया था तो 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है, वेरी गुड। यहां से सर हमने 4 HF बना दिए हैं, दैट मींस XeF2 बच रहा है, 6 में से 4 निकला 2। अब क्या ये प्रोडक्ट आंसर नहीं है, XeO2F2, सी दिस। अरे यहां देखो, अब मचाओ ताली, एकदम तहस नहस कर दो। अरे काहे का इंतजार कर रहे हो, करो ना, ये लाइक बटन में दबाओ, सब्सक्राइब को तोड़ो, देखो प्रोडक्ट कैसे बनता है। ऐसा है, अब एग्जामिनर थोड़ा सा गुस्सा आ गया कि यार कुछ भी हो जाए, ये तो सीधा सीधा प्रोडक्ट बना के आ रहे हैं, तो 1 मॉलिक्यूल भी सिखा दिया, 2 मॉलिक्यूल भी सिखा दिया, तो तीसरा मॉलिक्यूल, कुछ नहीं करना है यार, यहां पे 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पे 6 फ्लोरीन प्रेजेंट है, सिंपली सर 6 HF बना देगा, 6 हाइड्रोजन 6 फ्लोरीन 6 HF, वेरी गुड। अब देखो 6 HF तो बन गया, तो बचा क्या सर, 3 ऑक्सीजन यहां बचा हुआ है और XE बचा हुआ है, क्योंकि 6 का 6 फ्लोरीन खत्म हो चुके हैं HF में, तो बस प्रोडक्ट बनाओ ना, खत्म करो ना कहानी। काहे नहीं तालियां बज रही है हमारे लिए, बजनी चाहिए, इधर अमेजिंग वे में नहीं पढ़े होगे। अरे बहुत बढ़िया भाई साहब, आइए अब जो भी हमने पढ़ा है ना, जितने भी टाइप के मॉलिक्यूल्स, जेनॉन का ऑक्सीजन के साथ, जेनॉन का फ्लोरीन के साथ, जेनॉन का ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, अब देखो आपको थोड़ा सा दर्शन करा दूं, जो जेनॉन की ऑक्सीजन से प्रोडक्ट बन रही है वो ये रही, इस टाइप की प्रोडक्ट की बात करें, जो जेनॉन और ऑक्सीजन दोनों के मिक्सचर से बना रहा है वो इस टाइप की प्रोडक्ट है, और जो जेनॉन सीधा सीधा फ्लोरीन से रिएक्ट करके बना रहा है वो ये है। अब आओ ज्योमेट्री, शेप, मॉलिक्यूल सब तरफ का इसका बात चर्चा करके खत्म ही कर डालते हैं। आओ एक्चुअली अब हम पढ़ेंगे XeF2, XeF4, XeF6, ये हमने ऑलरेडी बनाना सीख लिया। XeF, अब एक रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो, XeF2 कब बना, जब जेनॉन और फ्लोरीन ने रिएक्ट किया, लेकिन जेनॉन एक्सेस में था। ये दोनों कब बने, जब जेनॉन और फ्लोरीन ने रिएक्ट किया लेकिन फ्लोरीन एक्सेस में था। उसमें भी F4 तो तब बना है जब जेनॉन और फ्लोरीन का रेशियो 1:5 है, XeF6 तब बना है जब जेनॉन और फ्लोरीन का रेशियो 1:20 है। बतवा धीरे धीरे समझ में घुसा दिमाग में कि नहीं, प्रिंट हुआ कि नहीं, अरे बताइएगा जरूर। XeOF4 भी पढ़े इसके पिछले रिएक्शन में, यह भी पढ़े और यह भी पढ़े, आइए इन सब के बारे में, शेप कैसा होता है, मॉलिक्यूल कैसा होता है, ज्योमेट्री कैसा होता है, सब पढ़ते हैं। आइए आप सबसे पहले मैं XeF2 से चालू करूंगा बात को, आप कैसे शेप, मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन आज सीख के जाओ, किसी भी मॉलिक्यूल में लगा लेना, हमेशा सही आएगा, सीख के जाना, मजेदार है, आपको करना कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए आप ये सब भूल जाओ, अभी कुछ भी नहीं है सब, ये भूल जाओ, आपके पास तो सीधा दे दिया कि भाई साहब मुझे XeF2 का हाइब्रिडाइजेशन शेप, जो भी आपको केमिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है वो सब बताओ आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। सिंपल देखो, हमारे पास है XeF2, वेरी जल्दी जल्दी लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। सर जेनॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, फ्लोरीन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, लेकिन 2 फ्लोरीन है तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो क्या मुझे 8+14 दिख रहा है, दैट मींस 8+14 आंसर होता है, मेरी थोड़ी मैथमेटिक्स कमजोर है तो 22 आ गई। अब देखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये नोट डाउन कर लो ना, जो अभी लिखेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में लगेगा, शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, एनी टाइप ऑफ थिंग। अब
अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से बड़ा है और 8 और 8 से 8 के बराबर है, या तो 8 है या 8 के बराबर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे जैसे 22 आया है ना, वैसे 2 और 8 के बीच में आ रहा है या 8 आ रहा है, तो आप डिवाइड करो 2 से, लोअर लिमिट से डिवाइड करना है। अगर 8 से बड़ा है और 56 के बराबर आ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे यहां 22 आया तो वही इस रेंज में पड़ेगा, तो उसको डिवाइड करना है लोअर लिमिट से, दैट मींस 8 से। और अगर 56 से भी बड़ा हो गया तो उसको 18 से डिवाइड कर दो, 2, 8, 18, 18, 32, 56, ये तो आप पढ़े होंगे। अगर एलिमेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम, नॉट टोटल इलेक्ट्रॉन का सम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहरी ऑर्बिट के अंदर का इलेक्ट्रॉन अगर 2 और 8 के बीच में है, यू विल डिवाइड इट बाई 2। अगर 8 से बड़ा, मतलब 9 से, 9, 10, 11, 12 से लेकर के 56 तक है, तो यू विल डिवाइड इट बाई 8, अदरवाइज यू विल डिवाइड इट बाई 18। कैसे, क्या कह रहे हो, थोड़ा बहुत समझ में आया? तो इतना बात तो जरूर क्लियर हो गई कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन XeF2 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट 8 + 7 × 2, दैट मींस 22। अब ये 8 से लेकर के 56 वाला है, मतलब 8 से बड़ा और 56 से छोटा है, तो क्या मैं इसको 8 से डिवाइड करूं, लोअर लिमिट से डिवाइड करूं? यस सर, 8 से डिवाइड किया, 8 दुना 16, डिवाइड होके आया बचा 6। देखो अभी इसमें मत ध्यान दो, यहां देखो 8 से हम 22 से डिवाइड करेंगे, 8 दुना 16 कितना बचा 6। अब 6 किस रेंज में है, 22 तो उस रेंज में था तो 8 से डिवाइड कर दिया, 6 किस रेंज में है, 2 और 8 से के वाला रेंज में है, दैट मींस लोअर लिमिट अब 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, कट गया, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कटे ना, ठीक है? अब कट गया तो टोटल क्वोशेंट कितने हैं, 2 + 3 = 5, टोटल क्वोशेंट इज 5, और 5 होता है तो 5 ओवरलैपिंग का मतलब एक एस ऑर्बिटल, 3 पी ऑर्बिटल, तो 3 और 1 4 हो गए, तो एक डी ले लो, तो sp3d आंसर आ गया, हाइब्रिडाइजेशन निकल गया। 5 ज्योमेट्री वाले का sp3d होता है, ज्योमेट्री अगर 5 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है, तो ज्योमेट्री हमेशा TBP होगी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, बहुत अच्छे से क्लियर है ये बात केमिकल बॉन्डिंग से। अब शेप निकालने में बच्चों की ऐसी तैसी हो जाती है, अब मैं आपको बताऊंगा कि शेप कैसे निकालें। शेप निकालने के लिए सबसे पहले आपको लोन पेयर निकालना आना चाहिए मॉलिक्यूल में। अब आपको FeCF2 दे दिया, आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लिया, ज्योमेट्री निकालना सीख लिया, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर? तो जो लोन पेयर कैसे निकालोगे, देखो टोटल क्वोशेंट कितना आया है, 2 + 3, दैट मींस 5, टोटल क्वोशेंट में से सराउंडिंग एटम माइनस कर दो, XeF2 में दिस इज सेंट्रल एटम, दिस इज सराउंडिंग एटम, दिस इज सेंट्रल एटम, दिस इज सराउंडिंग एटम, तो टोटल 5 आया है, सराउंडिंग करोगे 2 तो कितना आ गया 3, दैट मींस XeF2 में 3 लोन पेयर है। बहुत इजीली कैलकुलेट होता है, लोन पेयर निकल गया, हाइब्रिडाइजेशन निकल गया, ज्योमेट्री निकल गया और लोन पेयर निकल गया। जैसे ही लोन पेयर आया, आप इन सारों को देखो कैसे करोगे, XeF2 में ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है, ये रहा ट्रायंगल, ये रहा ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल के तीनों कोनों पे 3 आते हैं, तो 5 में से 3 का काम हो गया, तो 2 और कहां जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, तो XeF2 में ये हो गया ट्रायंगल, एक होता है ऊपर की तरफ और एक होता है नीचे की तरफ, ये देखो इस वे, दिस वे XeF2 ये होता है, ये होता है ट्रायंगल और एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। अब इसमें हमें 2 सराउंडिंग एटम है, तो XE तो बीच में आ गया, हमारे पास है F2, तो ऊपर नीचे रख दो सिमेट्री के हिसाब से, और 3 हमारे पास लोन पेयर हैं, तो तीनों को ट्रायंगल पे रख दो। लोन पेयर को ऐसे रखना है कि मैक्सिमम एंगल पे रहे, जैसे यहां पे देखो ये 120 डिग्री एंगल है, लेकिन अगर ऊपर रखते तो वो 90 डिग्री एंगल था। अगर हम मैक्सिमम पे रखेंगे तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच का रिपल्शन कम होगा, वेरी गुड। तो अब शेप कैसे निकालें, शेप निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आप लोन पेयर वाली चीज भूल जाओ, आप तो देखो कि हमारा XeF2 कहां है, ये रहा XeF2, कैसा है, क्या ये लीनियर नहीं दिख रहा क्या यार, अरे यार ये नहीं दिखा क्या XeF2, गजब कर रहे हो यार, गजब कर रहे हो, XeF2 इज लीनियर, लोन पेयर तो भाड़ में जाए, शेप के लिए लोन पेयर भूल जाओ, अपने आप लीनियर शेप के लिए लोन पेयर भूल जाओ, लोन पेयर जैसे ही भूले शेप निकल के आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ज्योमेट्री के लिए आपको बॉन्ड पेयर, मतलब लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर दोनों देखना है, ठीक है? आइए XeF2 की बात हम कर चुके, अब हम चलते हैं XeF4 पे। XeF4 का बताइए,
कैसे हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, अब मैं आपको एक निकाल के दिखाता हूं बड़े शानदार वे में। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8+4 फ्लोरीन है और चारों फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस 8+28 दैट मींस 36। तो क्या ये सेकंड वाला स्लैब में आ रहा है कि क्या ये 8 से बड़ा है और 56 से कम है, 56 से कम है? तो दैट मींस इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 36 8 चौका 32 4 आ गया। अब 4 किस स्लैब में है, दो वाले स्लैब में है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, खत्म कहानी। टोटल क्वेश्चंट भाई साहब, टोटल क्वेश्चंट आया 6 का मतलब है 6 ओवरलैपिंग होगी, पहले ऑर्बिटल एस, फिर 3 पी ऑर्बिटल आ जाएंगे, तो टोटल अभी तक 4 हुए हैं, तो 2 डी और ले लो तो 6 हो गए टोटल। sp3d2 इज द हाइब्रिडाइजेशन। जब भी sp3d2 होता है तो ये खुदा गवाह है कि भाई साहब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, दैट्स इट, सिंपल एज यू गो। 36 आया जब हमने इसको 8 से डिवाइड किया, तो 6 ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। अब क्वेश्चन आएगा कि भैया लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर के लिए कुछ नहीं करना यार, अभी तो बताया लोन पेयर के लिए, जस्ट लोन पेयर के लिए टोटल क्वेश्चन कितना है, 6 में से सराउंडिंग एटम माइनस कर दो, सराउंडिंग एटम के 4 दिख रहे हैं, 6-4 दैट इज 2, तो 2 लोन पेयर हैं इसके अंदर, वेरी गुड। अब ऑक्टाहेड्रल में आपको लोन पेयर भी निकालने आ गया, अब शेप पूछ रहा है तो लोन पेयर भूल जाओ, अब ऑक्टाहेड्रल इसको बना दो। ऑक्टाहेड्रल में ये देखो यहां पे लोन पेयर हमने यहां पे रखा है, क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों लोन पेयर 180 डिग्री पे आ रहे, तो मैक्स मिनिमम रिपल्सन होगी, यहां और यहां लोन पेयर रख देते तो कुछ बात नहीं है सर, ये यहां पे लोन पेयर आ जाता 90 डिग्री पे आ जाता, रिपल्सन ज्यादा हो जाती, दूर दूर रखते हैं, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पे रखते हैं। आइए अब शेप निकालना है सर, शेप, तो शेप के लिए लोन पेयर भूल जाओ, तो लोन पेयर वाली चीज तो भूल जाओ कि स्ट्रक्चर में है ही नहीं, लोन पेयर वाली चीज भूल जाओ स्ट्रक्चर में है ही नहीं, तो कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या ये स्क्वायर स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या ये स्क्वायर प्लेनर, बोल दूं तो कोई गुनाह तो नहीं किया मैंने, वेरी गुड वेरी गुड। सिमिलरली Xc-F6 का आप कर लोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 50, अभी भी 56 से कम है, तो डिवाइड करोगे 8 से, टोटल क्वेश्चन आएगा 7 sp3d3। ज्योमेट्री तो निकल आई, शेप निकालने के लिए लोन पेयर का जनाजा निकालना जरूरी है, लोन पेयर की जनाजे के लिए टोटल क्वेश्चन में से सराउंडिंग माइनस कर दो, 7 में से 6 माइनस किया 1 आ गया, लोन पेयर इज 1। अब पेंटागोनल बाईपिरामिडल में एक लोन पेयर है, तो आप तो कहीं भी रख दो, ये लो ये रखो, ये रहा यहां रख दिया, एक से ज्यादा आएंगे तब तो आपस में रिपल्सन करेंगे, एक है तो आप कहीं रख दो, कहीं भी रखा, आप जब भी sp3d3 वाले में एक लोन पेयर आए, शेप इज कॉल्ड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अगर लोन पेयर नहीं रहता तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल लोन पेयर रहने की वजह से डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल की तरह दिखता है, sp3d3 वाला की तरह दिखता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। आगे बात समझ में, अब आइए XeOF4 की बात करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, काम करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 42, अभी भी 56 से कम है, तो 8 से डिवाइड करो, टोटल क्वेश्चन आ गया 6, दैट मींस इट इज sp3d2। अगर ये sp3d2 है तो इफ डू वी हैव टाइम, तो sp3d2 है तो ज्योमेट्री तो होगी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप के लिए क्या करना है आपको, लोन पेयर निकालना है, तो लोन पेयर इज टोटल कोशेंट माइनस दिस इज सराउंडिंग एटम इज 5, क्योंकि 4 फ्लोरीन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो लोन पेयर आ गया 1। अब ऑक्टाहेड्रल में एक लोन पेयर आएगा तो क्या होगा, देखो शेप कैसे निकालते हो, ऑक्टाहेड्रल में एक लोन पेयर आ गया, अब आपको शेप निकालना है, लोन पेयर भूल जाओ। अब जब लोन पेयर भूल गए तो क्या ये एक स्क्वायर दिखा, ये स्क्वायर है एक्चुअली, स्क्वायर के ऊपर निकला हुआ चीज दिखा, तो स्क्वायर पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या, स्क्वायर है और उसके ऊपर ऐसा निकला हुआ है, तो क्या पिरामिड बनता हुआ दिख रहा है, वेरी गुड। तो अगर XeOF4 बन गया तो हम आगे बढ़े XeO2F2 का, कुछ नहीं करना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, 34 अभी भी 56 से कम है, 8 से डिवाइड करेंगे, टोटल क्वेश्चन 5, दैट मींस ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, एक ट्रायंगल और इसके एक ऊपर की तरफ नीचे की तरफ 5 हो गए, ट्रायंगल में 3, एक ऊपर एक नीचे 5, तो दिस इज 5 ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। शेप निकालने के लिए एग्जामिनर पूछ दिया, लोन पेयर का जनाजा निकालना जरूरी है, टोटल क्वेश्चन इज 5, 2 और 2 4 सराउंडिंग एटम, माइनस किया लोन पेयर निकल के आ गया 1। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में लोन पेयर रखना है 1, कहीं भी रख दो, यहां रख दिया मेरी मर्जी, मैंने यहां रख दिया,
ठीक है। अब जब मैंने यहां रखा तो क्या आपको ये शेप बनता हुआ दिख रहा है? कैसे सर? लोन पेयर भूल जाओ, शेप के लिए तो लोन पेयर भूल जाओ, उधर तो कुछ है ही नहीं। मुझे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखना, एक ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को यूं मोड़ूं तो क्या ये वो वाला पार्क में बच्चे जो खेलते हैं, एक तरफ से बैठते हैं तो दूसरी तरफ ऊपर होता है और दूसरी तरफ बैठते हैं तो एक तरफ ऊपर होता है, तो क्या ये वाला झूला देखा है? इस झूले को हिंदी में, इंग्लिश में सी सॉ बोलते हैं। तो उसी टाइप का स्ट्रक्चर है, देखो मैं बना के दिखा दूं आपको। ये रहा, एक बच्चा यहां बैठा हुआ है, दूसरा बच्चा यहां बैठा हुआ है, तो ये एक बार ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये सी सॉ है। ज़ेनॉन यहां बीच में है, ऑक्सीजन यहां है, ऑक्सीजन यहां है, फ्लोरीन यहां है, फ्लोरीन यहां है, दिस इज सी सॉ। क्लियर विजुअलाइजेशन? वेरी गुड। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज फॉर योर सेल्फ। XeO3 में जो मचाना है मचाओ। सामने रहा सॉल्यूशन, सेप, लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी तरह के क्वेश्चंस आराम से होंगे, ठीक है? वेरी गुड। चूंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लग रही है, आप लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा, लेकिन वेरी वेरी हार्ड वर्क इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स। सो वुडंट यू लाइक टू शेयर दिस? वुडंट यू लाइक टू रेस्पेक्ट द हार्ड वर्क विच वी आर डूइंग? इफ येस, वेरी गुड, यू हैव टू शेयर दिस विथ योर एटलीस्ट 10-15 फ्रेंड्स। 10-15 लोगों को तो जरूर शेयर करो। हर बार बताओ कि डिटेल में पढ़ना है ना तो भाई साहब कैरियर पॉइंट है, क्वालिटी पढ़ाई पढ़नी है ना तो भाई साहब कोटा से पढ़ो, कोटा के एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ना है ना तो जाओ कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे, सब्सक्राइब करो, वहां डाउट भी फ्री में बता देते हैं। जो मर्जी मन में डाउट आ रहा है, छोटा छोटा, बड़ा से बड़ा, आप तो हमें स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, जो भी आ रही है स्क्रीनशॉट खींचो भेज दो, विदिन 15-30 मिनट्स हम आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। पढ़ भी लिया, डाउट भी क्लियर हो गए, प्रैक्टिस भी कर लिया, जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहे फिर भेजो, फिर हम बताएंगे आपको। एज सिंपल एज दैट, सिलेक्शन रोकना कोई नहीं सकता है, सिलेक्शन होगा ही होगा, कोई रोकने वाला नहीं है आपका सिलेक्शन, ठीक है? क्वालिटी, बेस्ट कॉन्टेंट, बेस्ट टीचर, सब कुछ अच्छा तो फिर सिलेक्शन भी अच्छा। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।